प्रशासन में भ्रष्टाचार के उन्मूलन और सत्यनिष्ठा को स्थापित करने के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के संकल्प से दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पारित हुआ। सन 1962 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रशासन में भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई घटनाओं से निपटने एवं सुझाव देने के लिए कस्तूरी रंगा संथानम कमेटी नियुक्त की। कमेटी की संस्तुतियों पर अमल करते हुए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1963 को रेजोल्यूशन द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई की स्थापना की। सीबीआई के प्रथम डायरेक्टर डीपी कोहली ने सीबीआई अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा, जनता आपसे कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा दोनों में उच्चतम स्तर की अपेक्षा करती है, उस विश्वास को बनाए रखना है। प्रारंभ से ही सीबीआई ने अपने आदर्श वाक्य उद्यमिता, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा के पथ पर चलते हुए अत्यंत जटिल एवं संवेदनशील मामलों की जांच में सत्य को उजागर कर देश की विभिन्न संस्थाओं और जनता का विश्वास अर्जित किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालयों, केंद्र व राज्य सरकार तथा लोकपाल एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने निरंतर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संगीन आपराधिक मामलों को सौंपकर सीबीआई की जांच प्रणाली पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। भ्रष्टाचार उन्मूलन और सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए सीबीआई पर प्रिवेंटिव विजिलेंस एवं प्यूनिटिव विजिलेंस की मुख्य जिम्मेदारियां हैं। देश के आर्थिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई बैंक धोखाधड़ी और आर्थिक अपराधों की गहन जांच कर अपना महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। सीबीआई ने अनेक आर्थिक अपराधियों को न्यायपूर्वक दंड दिलाकर देश की आर्थिक प्रणाली में विश्वास बढ़ाया है। सीबीआई केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों से जुड़े साइबर क्राइम के मामलों की जांच एवं G7/24/7 के नेटवर्क से अंतर्राष्ट्रीय डेटा संरक्षण के लिए अधिकृत नोडल एजेंसी है। देश की उत्कृष्ट जांच एजेंसी सीबीआई पर गंभीर मामलों की जांच, अनुसंधान एवं उनके सफल अभियोजन का दायित्व है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत इंटरपोल की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने वाली सीबीआई आज देश के विभिन्न पुलिस बल के साथ परस्पर समन्वय, प्रशिक्षण एवं रिसर्च के माध्यम से राष्ट्र को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सीबीआई की वास्तविक शक्ति उसके अनुसंधान एवं अभियोजन अधिकारियों की पेशेवर दक्षता, कर्तव्य के प्रति समर्पण एवं ईमानदारी से ही है। गाजियाबाद स्थित सीबीआई एकेडमी में कड़े प्रशिक्षण में तपकर सीबीआई ऑफिसर्स अपने विशिष्ट दायित्वों के लिए तैयार होते हैं। देश की सभी कानून प्रवर्तन संस्थाओं के लिए सीबीआई की क्राइम मैनुअल एवं मानक संचालन प्रक्रियाएं गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती हैं। निरंतर परिवर्तित होते आपराधिक परिवेश से निपटने के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाकर सीबीआई ने कई अति विशिष्ट जांच प्रभाग एवं इकाइयां बनाई हैं। सीबीआई के कार्यालयों का नेटवर्क श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम एवं गांधीनगर से ईटानगर तक देश के 36 शहरों में स्थित है। सीबीआई के जांच एवं अभियोजन अधिकारियों के बेजोड़ तालमेल, उनके निरंतर प्रशिक्षण व उन्नयन, आधुनिक तकनीकों का तीव्रता से एकीकरण इसे विश्व की एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाता है। आज सीबीआई का कन्विक्शन रेट करीब 75% है, जो वैश्विक मानकों से तुलनीय है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ निकट समन्वय से सीबीआई ने वांछित भगोड़ों की भारत वापसी के लिए ऑपरेशन त्रिशूल, ड्रग संबंधित सूचना आदान प्रदान के लिए ऑपरेशन गरुड़, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन चक्र एवं ऑनलाइन बाल यौन शोषण को रोकने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र लॉन्च किए हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता के साथ सीबीआई राष्ट्र सेवा में समर्पित है। 60 वर्षों से लोगों के विश्वास का प्रतीक सीबीआई, आजादी के अमृत काल में उत्तरोत्तर उत्कृष्टता के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में हिंदुस्तान कदम रख रहा है।